मैं राहिल भाई और पांडे जी आपके चैनल के माध्यम से मेरे पूरे चिता कैंप की आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ऑपोजिशन के जो लोग हैं उनका काम है सिर्फ भड़काना, क्योंकि 45 साल के अंदर चिता कैंप का कभी कोई विकास का काम तो करे नहीं और ना हम उससे उम्मीद रख सकते हैं काम की। ये जो हमारे जो बड़े बड़े जो काम है, जब बिना सपोर्ट के जब आपका कॉरपोरेटर आपका शानवा शेख जो है ये काम कर सकता है, तो जब हमको खुद बुलाकर जो है ताकत दी जा रही है, पावर दी जा रही है और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका काम होगा, तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए। तो यहाँ पे चिता कैंप के जो बहुत सारे जो सियासी जो नेता लोग हैं उन लोगों को कुछ बात तो मालूम तो रहती नहीं है, उनके दिमाग में कुछ प्रपोजल जो चलता नहीं है, तो जो चीज़ शानवास कर रहा है उसी को लेके जो है आगे बढ़। और साथ ही साथ माने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो है मेरे से पर्सनली ये वादा किया है कि कुछ काम हम अलग से हट के आपके चिता कैंप में हम करके दिखाएंगे, और वो खुद अपने हाथों से जो है वो काम का जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर हो जाता है तो उसका उद्घाटन भी करेंगे। और बहुत जल्दी मेरे को ये भी कहा था जो उन्होंने कि वो पर्सनल चिता कैंप के बीच में आके चिता कैंप के लोगों से मिल के जो है चिता कैंप के लोगों से मुलाकात करेंगे। सर क्या कहेंगे, आपने जल्द ही शिवसेना पार्टी में प्रवेश किया है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जी के हाथों आपका प्रवेश हुआ है, कितनी खुशी की बात है, क्या कहना चाहेंगे, क्या विकास आगे करेंगे आप? सबसे पहले तो पांडे जी मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये शिवसेना में मेरा जानने का सबसे बड़ा मेन रीज़न, मेरा सबसे बड़ा मेन मकसद ये था कि आप जिस तरह आपने देखे होंगे चिता कैंप की, कहीं आपने विजिट करे होंगे कि हमारा चिता कैंप जो है गरीब तबके का जो है चिता कैंप है, यहाँ पे कहीं गरीब लोग रहते हैं, और हमारा जो डेवलपमेंट जो होना चाहिए, जिस तरह से हमारा विकास होना चाहिए, कहीं ना कहीं इतने MP MLA नगर सेवक यहाँ पे आए और आने के बावजूद भी जो है हमारा चिता कैंप वहीं के वहीं पर जो है रुका हुआ है। और इसी मुद्दे को लेकर जो है आने वाले 2017 में हमने चुनाव लड़ा था कि कब बदलेगा चिता कैंप, तो अब बदलेगा चिता कैंप। उस हिसाब से एक नगर सेवक के अंडर में जो है हमारा जो काम आता है, चाहे वो कब्रिस्तान का काम हो, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो गटर नाली का काम हो, चाहे वो पानी का काम हो, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, तो ये सारे काम हमने जो है पांडे जी आपने देखा होगा कि चिता कैंप की सरजमीं पे हमने ये किया है और हमारी टीम ने किया है। और उसके साथ साथ जो काम ऊपर लेवल पे जो है MP और MLA के अंडर में जो काम आता है, वो काम को भी हमने जो है पूरी करने की जो है कोशिश की है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा चिता कैंप जो है पूरा ये 53 एकड़ 18 गुंटा में जो है फैला हुआ है, और ये ज़मीन जो है हमारी जो है BRC के नाम पे थी। जब 76 में ये एक्सचेंज हुई थी, जब इन दोनों के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ था, एक दस्तावेज बना था लैंड ऑफ एक्सचेंज का, तो वो टाइम से लेके आज तक ये ज़मीन जो है हमारी चिता कैंप की ज़मीन जो है हम जो एक लावारिस की तरह जो है रह रहे थे। मगर और हम कोई बड़े काम करने जाते या कोई बड़ा प्रपोजल हम लेके जाते हैं तो सबसे पहला मुद्दा उसमें यही आता था कि ज़मीन आपके नाम पे जो ट्रांसफ़र नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने और हमारी टीम ने जो है चिता कैंप की सर ज़मीन को जो है ये 53 एकड़ 18 गुंटा ज़मीन को जो है हमने BRC से लेकर जो है हमने BMC मुंबई महानगर पालिका के प्रॉपर्टी कार्ड पर चढ़ाने का काम किया। इसी तरह दूसरा मुद्दा ये है कि जो धोबी जो घाट है वहाँ पे हमारी एक ज़मीन है जो कुकरेजा के नाम से जो है बहुत सारे लोग जो है जानते हैं, वहाँ पे हमारा जब अपना DP का जो सजेशन ऑब्जेक्शन था तो उसमें हमारा वो प्लॉट जो है RG था, और वो RG प्लॉट जो है हमारा वो सेंक्शन नहीं हुआ था, DP में सेंक्शन नहीं हुआ था। तो हमने वो प्लॉट को जो है हमने UD में जो है जाकर अर्बन डेवलपमेंट में जाके सजेशन ऑब्जेक्शन में जो है जाकर हमने वो प्लॉट को जो है रिजर्व कराया RG बोल के, और एक बहुत बड़ा जो बिल्डर है कुकरेजा बोलकर जो है उसके हाथ से जो है हमने छीन कर जो है जगह जो है उससे छीन के जो है हमने अवार्ड सेंक्शन कराया। और अवार्ड सेंक्शन कराने के बाद मैं आपको ये भी बता दूँ पांडे जी कि ये महीने की एंडिंग तक हो सकता है कि BMC जगह को अपने ताबे में ले लेगी, और ताबे में लेने के बाद इंशाल्लाह हमने जो इसके ऊपर गार्डन का जो प्रपोजल दिया था तो इंशाल्लाह माननीय जो है हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की मौजूदगी में जो है इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो गार्डन को जो है हम वहाँ पे अच्छे से डेवलप कर सके और हमारे लोग जो उसका फ़ायदा उठा सके। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपको शिंदे गुट में जाने का, शिवसेना ज्वाइन करने का, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिससे आप चिता कैंप का विकास कर सकेंगे, और CM यहाँ पर क्या विजिट करने वाले हैं, CM क्या खुद चिता कैंप में एक बार आएंगे? जी देखिए, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा इशू ये है कि आज हमारी चिता कैंप की बस्ती को यहाँ पे बस के जो है कम से कम बसे हुए जो है आज तकरीबन 50 साल हो चुके हैं। आज हमारा एक एरिया आप देख सकते हैं कि
बीस सेक्टर का जो एरिया है वो हमारा जो है डेवलपमेंट के नाम पे जो है कारशेड आया हमारा मेट्रो का, तो वहाँ से हमारे कुछ घर जो इफेक्ट हुए, इफेक्ट होने के बाद जो है हमारे लोगों को जो है दूसरी जगह पे लेके जाके जो है वहाँ पे बसाया गया, जिसकी वजह से हमारे जो ओटर्स है, हमारे ओटर्स जो है पूरी तरह जो है कम हो गए। और इसी तरह जो है अभी ई सेक्टर, डी सेक्टर, सी सेक्टर में जो है हमारा एक रोड वेंडिंग जो है प्रपोजर है, रोड प्लानिंग है, वो रोड में जो है कहीं बहुत सारे जो हमारे झोपड़े जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम उसके ऊपर जो है या तो ये रोड वेंडिंग के अलाइनमेंट को हम चेंज कर सके, या तो इसके ऊपर हम जो है हमारे चीता कैंप में बिल्डिंग डेवलपमेंट लेके आए, एक बिल्डिंग डेवलपमेंट का हम प्रपोजल लेके आए। और यही हो सकता है कि ये मुद्दा जो मैंने उठाया और ये मुद्दा जो लेके चल रहा हूँ, इससे पहले भी पांडे जी मुझे याद है कि आप राजाबाग के घर पे जब मेरा इंटरव्यू लिए थे, मैंने तभी भी आपको ये बोला था कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा डेवलपमेंट का। तो ये मेरी बात को सुन के, यही इंटरव्यू को मेरे सुन के और राहिल के न्यूज़ में भी मैंने कई बार बोला हूँ कि हम डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे चिता कैंप के जो बहुत सारे जो सियासी जो नेता लोग हैं, उन लोगों को कुछ बात तो मालूम तो रहती नहीं है, उनके दिमाग में कुछ प्रपोजल जो चलता नहीं है, तो जो चीज़ शानवास कर रहा है उसी को लेके जो है आगे बढ़ो। इनका काम यही है कि उसी को लेके आगे बढ़ो, वो तो खुद कभी खुद से कर सकते नहीं है। तो ऐसा हमारी प्लानिंग ये है कि आने वाले वक्त में हमारे चिता कैंप के लिए जो जो मेरे बड़े बड़े जो प्रपोजर है, वो प्रपोजर को जो है मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के हाथों से जो है वो काम हम करवा के लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि ये भरोसा दिलाया है कि चिता कैंप में हम आपको फ़ंड भी देंगे, और फंड के साथ साथ जो है आपके जो बड़े बड़े जो प्रपोजर है इंशाल्लाह उसमें जो है हम आपको करने के लिए जो है पूरा साथ देंगे। सीएम से आपका दो बार मीटिंग हुआ, मीटिंग में सीएम ने आपको क्या क्या आश्वासन दिया है और किस तरह आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे चिता कैंप के विकास में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब ने ये मुझे बुलाया और बुलाकर मुझे अपनी पार्टी में प्रवेश किए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जो है एक ग्राउंड लेवल से जो है जुड़े हुए आदमी है, और मैंने उनकी कई सारे ऐसे काम देखा हूँ कि वो ग्राउंड लेवल से जुड़ के जो है लोगों का डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो है आगे बढ़ के जो है वो काम कर रहे हैं। जैसा कि थाना के अंदर मैंने ये भी देखा था कि उनके कार्यकाल में उन्होंने जो है एक मुसलमान लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है कब्रिस्तान बनाया, और दूसरी बात वो कोई जाति धर्म के लोगों को नहीं देख रहे, वो हर ग्राउंड लेवल पे उतर के जो है किस तरह हमारे महाराष्ट्र का विकास हो, हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो है चाहे वो कौन सी भी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो बॉम्बे हो, नागपुर हो, या कोई भी इलाका हो, हर जगह पे वो खुद उतर के जो है डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि हमने जो जो बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब से हमने जो की है तो उस पर इंशाल्लाह वो पूरा हमको करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो अगर वो हमारे लिए काम करते हैं तो हमारे चिता कैंप की अवाम के लिए जो है बहुत बड़ी बात होंगी, और हम तय दिल के उनसे जो है उनका जो हम शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो है मेरे से पर्सनली ये वादा किया है कि कुछ काम हम अलग से हट के आपके चिता कैंप में हम करके दिखाएंगे, और वो खुद अपने हाथों से जो है वो काम का जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर हो जाता है तो उसका उद्घाटन भी करेंगे। और बहुत जल्दी मेरे को ये भी कहा था कि उन्होंने कि वो पर्सनल चिता कैंप के बीच में आके चिता कैंप के लोगों से मिल के जो है चिता कैंप के लोगों से मुलाकात करेंगे। आने वाले दिनों में क्या यहाँ के बच्चों के लिए कॉलेज या और भी स्कूल या जो हॉस्पिटल है उसे और भी बड़ा बनाया जा सके, इन प्रपोजल पर आप काम कर रहे हैं, सीएम से इस बारे में बात करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले वो पूरी बातों में एक ही बात का यही जवाब दूंगा कि हमारा जाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम हमारे चिता कैंप को किस तरह आगे लेके जाए, हमारा चिता कैंप किस तरह डेवलपमेंट में जाए। तो वो डेवलपमेंट के अंदर चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे बच्चों का कॉलेज हो, चाहे हमारा कब्रिस्तान हो, चाहे हमारा रोड हो, तो ये सब जिस चीज़ें जो डेवलपमेंट के अंदर आती है इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो डेवलपमेंट के अंदर जो जो चीज़ आती है हम उसमें जो है हम उसको जो है काम करके काम करने की जो है कोशिश करें। पर मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि दो साल के अंदर इतने बड़े बड़े काम हो गए, जो पॉसिबल होगा, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो काम होगा इंशाल्लाह हम वो कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके जो विरोधी है काफ़ी आपको घेरने में लगे कि आपने MIM छोड़ के आप शिंदे गुट में चले गए, तो किस लिए आप गए, मतलब विरोधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जितने भी ऑपोजिशन के जो लोग हैं, जो एक आम पब्लिक है, एक आम जनता जो है,
मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कभी भी मेरा विरोध नहीं किया। और जो समझदार लोग जो थे, जो पढ़े लिखे लोग जो थे, उन्होंने बस मुझे एक ही चीज़ कहा कि आपने जो भी डिसीज़न लिया चिता कैम्प के विकास के लिए, चिता कैम्प के डेवलपमेंट के लिए, बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, पर आप थोड़े लेट हो गए। ये लोगों का कहना था, और अपोजिशन का तो काम ही है विरोध करना। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये भी बता दूं कि 2017 से जब से लेके हम जीत के आए हैं अभी तक, आज तक मैंने चिता कैम्प के लिए मैंने कोई भी ऐसा गलत काम और ऐसा गलत डिसीज़न नहीं लिया हूँ, और चिता कैम्प के विकास के लिए ही लिया हूँ। क्योंकि हमारा काम, हमारा सबूत है, जैसा कब्रिस्तान है, रोड है, पानी है, जहाँ पानी एक टाइम आता था और दो टाइम आ रहा है, हमारा मेंटेनिटी डिलीवरी हॉस्पिटल है, हमारा बाजू में अर्बन सेंटर हॉस्पिटल है, हमारी जो ज़मीन हमने जो है BRC के नाम से, जो है BMC के नाम पर की, ये जो हमारे जो बड़े बड़े जो काम है, जब बिना सपोर्ट के जब आपका कॉरपोरेटर, आपका शानवा शेख जो है ये काम कर सकता है, तो जब हमको खुद बुलाकर जो है ताकत दी जा रही है, पावर दी जा रही है, और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आपका काम होगा, तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए। मैं राहिल भाई और पांडे जी, आपके चैनल के माध्यम से मेरे पूरे चिता कैंप की अवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ऑपोजिशन के जो लोग हैं उनका काम है सिर्फ भड़काना, क्योंकि वो 45 साल के अंदर चिता कैंप का कभी कोई विकास का काम तो करे नहीं, और ना हमसे उम्मीद रख सकते हैं काम की। मगर मेरा भरोसा कीजिए, मेरे चिता कैंप के अवाम से मैं यही कहूँगा कि मैं कल भी आपके लिए यही शानवास था और आज भी यही शानवास हूँ, और इंशाल्लाह मरते दम तक मैं यही शानवास रहूँगा। और मेरे चिता कैंप की अवाम के लिए मुझे कहीं अगर अपनी जान भी देना पड़े तो इंशाल्लाह मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए राजी हूँ। मगर चिता कैंप को कभी भी मैं अपने हाथ से जो है कभी भी नुकसान में नहीं डालूंगा। बस चिता कैंप के आगे डेवलपमेंट के लिए ही मैं हर चीज़ कोशिश करूंगा कि हमारा चिता कैंप आगे बढ़े। और आप लोग से भी मेरी ये गुजारिश है कि मैंने जो फैसला लिया हूं कि चिता कैंप को डेवलपमेंट की तरफ आगे लेके जाने का, तो आपसे मेरी विनती है कि आप इसमें मेरा साथ दें, और आने वाले वक्त में हम हमारे चिता कैंप के लिए जो है एक अच्छा बेहतर जो है डेवलपमेंट देखें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं 5 साल के अंदर आपको बिल्डिंग बना के दे दूँगा, मगर इतना है कि बहुत सारे कुछ ऐसे काम है जो हम हमारे से रिलेटेड जो हम कर सकते हैं कि जो चिता कैंप के लिए, चिता कैंप को जो है डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकें।